बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर संचालित मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के तत्वावधानों में नारी सशक्तिकरण को लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जहां संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, दहेज प्रथा व बाल विवाह पर परिचर्चा किया। बिट्टू मिश्रा ने कहा कि लड़कियां आज के समय में सशक्त हो रही है, बस जरूरत है इन्हें सही राह बताने की। अगर लड़कियां ठान ले तो समाज में बड़ी से बड़ी क्रांति ला सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज जागरूकता के कारण ही लड़कियां घर की दहलीज पार कर शिक्षा से जुड़ रही है। जिस तरह लड़के उच्च शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बनते हैं, उसी तरह लड़कियां भी अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को सशक्त कर ले तो निश्चित हमारे समाज में भ्रूण हत्या, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी गंभीर बीमारी को खत्म किया जा सकता है। वहीं प्रधान अध्यापक हरिदेव प्रसाद ने कहा कि जागरूकता के बल पर ही लड़कियों को सशक्त किया जा सकता है। लड़कियों को शिक्षा से जोड़कर बेहतर मुकाम हासिल करने की दिशा में पहल करना चाहिए। वहीं बिट्टू मिश्रा ने उपस्थित छात्राओं से संवाद भी किया। इस दौरान कई लड़कियों ने अपनी साथ होने वाली परेशानी को भी बताया तथा सामाजिक जागरूकता में सहयोग देने की भी बात कही। मौके पर प्रधान अध्यापक हरिदेव प्रसाद, शिक्षक रामानंद दास समेत अन्य शिक्षक व अभिभावक मौजूद थे। आज जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है उसके बारे में आप कुछ कहिए। बिट्टू मिश्रा जी का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत इससे लाभ मिला है, बच्चों बहुत कुछ सीखी है। अभी एग्जाम का भी समय था, बच्चों की संख्या भी अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक थी और बिट्टू जी का कार्यक्रम आज पहले दिन हम सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इनकी जो सराहनीय ये कार्य है बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को बच्चे भी लाभान्वित हुए हैं, इनकी जितनी अधिक तारीफ की जाए बहुत अच्छी है। आज जो जागरूकता कैंप चला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कहना है जो क्रमित माध्यमिक विद्यालय शहर दक्षिणी में बिट्टू मिश्रा जी के द्वारा लड़कियों को कैसे जो है जागरूक किया जाए, समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं उसे हम कैसे जो है दूर करें और हम कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें, बहुत भली भांति इन्होंने लड़कियों के बीच अपना प्रदर्शन दिखाया। लड़कियां भी आशा करते हैं जो बहुत बातों को वह सीखेगी और अपने जीवन में उतारेगी। शहर दक्षिणी हाई स्कूल में लड़कियों के बीच आज एक मोटिवेशनल कैंप यानी जागरूकता कैंप बोल सकते हैं वो हमने रखा था और इसका मकसद है कि जो भी युवा पीढ़ी हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका समाज में कैसे दे सकती हैं, कैसे समाज को अपने छोटे छोटे योगदान से आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी हैं, ये जो बच्चे हैं, यही कल को जाके हमारे समाज के भविष्य बनेंगे और यही अपने छोटे छोटे योगदानों से समाज को प्रेरित करेंगे, समाज को कुछ ना कुछ देंगे। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा हुई है, लड़कियों के साथ क्या समस्या है उन सारी समस्याओं पर चर्चा हुई है और हम कैसे उन चीज़ से निपट सकते हैं उन सारी चीज़ों पर इस जागरूकता कैंप में हमने किया है। और ये अभी हमारा अभियान निरंतर चलेगा, हम अलग अलग स्कूल में, हाई स्कूल में, कोचिंग में जा जा के लड़कियों को मोटिवेट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और समस्याओं के निदान पर हम बात करेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।